हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि Redmi के किसी भी मोबाइल में अलार्म को किस तरह से सेट करें। दोस्तों, अगर आपके पास भी Redmi का मोबाइल है या फिर कोई भी एंड्रॉइड मोबाइल है तो दोस्तों आपको उसमें अलार्म लगाना नहीं आता है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपके मोबाइल में क्लॉक का ऑप्शन दिया होता है। दोस्तों, कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके मोबाइल में भी दिया होगा, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस क्लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ टाइमिंग यहाँ पर आ जाएगी। दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो टाइम दिया है आपको उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको टाइमिंग सेट कर लेना है, जिस भी टाइम का आप अलार्म लगाना चाहते हैं। हम यहाँ पर सुबह 4:30 बजे का अलार्म लगाकर आपको दिखाते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर 4:30 का टाइम सेट कर लिया है और यहाँ पर AM पे क्लिक कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एडिशनल ऑप्शन भी मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको रिपीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे। आप यहाँ पर डेली पर या फिर मंडे टू फ्राइडे या फिर वंस या फिर कस्टम पे क्लिक करके आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डेली पे क्लिक कर देते हैं, जिससे कि हमारा अलार्म डेली बजे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको रिंगटोन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर रिंगटोन पे क्लिक करके आप कोई भी रिंगटोन लगा सकते हैं, जो भी आप अपने अलार्म पर सेट करना चाहें। तो दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपको वाइब्रेट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका अलार्म जब भी बजे तो उसमें वाइब्रेट भी हो, तो वाइब्रेट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका वाइब्रेट वाला ऑप्शन लग जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नीचे लेबल वाला ऑप्शन आपको दिया है। इस लेबल वाले ऑप्शन पे आप कोई भी टास्क लिख सकते हैं कि अलार्म आपने किस लिए लगाया है। तो हम यहाँ पर मॉर्निंग वॉक लिख देते हैं कि हमने मॉर्निंग वॉक के लिए अलार्म लगाया है। दोस्तों इस तरह से आप इस तरह अलार्म को सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर जो टिक वाला ऑप्शन दिया है, आपको इस पर टिक कर इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद दोस्तों अलार्म ये आपका ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर आप इसको ऑन या ऑफ भी इजीली कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसको राइट ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से ऑफ भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर टर्न ऑफ इसको कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने किसी भी अलार्म को जिसको आपने सेट किया है तो उसको ऑन ऑफ भी यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल में अलार्म लगा सकते हैं और उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।